मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने मेला के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं के सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मूर्ति कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन मित्रों के साथ समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन को, शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज इस वक्त ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में और उन्होंने कहा यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना में प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के रथ यात्रा के साथ में गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया, उस भ्रमण के दौरान भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गांव में प्रधानमंत्री मोदी यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के साथ ही देखें तो एक वीर व्रति के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रति के रूप प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो उनका खुद राखी और भक्षण आज हस्तम प्रक्षालय देवस्य कपोलं देवा अमृतं दत्वा